फॉर वॉचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर। और अब बारी आती है एक पेस्तो के साथ में किसी दिया, फ्रेश बेजिल लीव्स। तो ये फ्रेश बेजिल लीव्स ले लेते हैं, और फ्रेश बेजिल लीव्स लेकर इसके साथ साथ इसमें गार्लिक, हाँ गार्लिक का टेस्ट बढ़िया होता है इसमें, अच्छा लगता है। उसके साथ साथ पाइन नट्स, रोस्टेड पाइन नट्स चिलगोजे, नहीं हो तो अलग अलग नट्स से भी इसको बना सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें नमक, और नमक के साथ साथ थोड़ा सा पेपर भी डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये जो है, ये देखिए पेपर हो गया, सॉल्ट हो गया, और एक बहुत ज़रूरी चीज़, और वो ज़रूरी चीज़ है ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल डालकर इसको पीसना होता है। इसके साथ साथ पार्मेसान चीज, ये इसके अंदर, और पार्मेसान चीज डाल के इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप बना के पहले से रख सकते हैं ये पेस्तो को, और अगर बना के रख रहे हैं तो ढेर सारा इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल के रखें, एकदम बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये मेरे पास में हमने बनाए हुए हैं तोर्तिया, कॉर्न के तोर्तिया। तो आप एक काम करें, मकई का आटा और मैदा लेकर उसकी रोटियां बेल लें, और रोटी जो है वो थोड़ी सी हल्की सी कच्ची रखें ताकि उसके अंदर मॉइस्चर रहे। और ये जो है अब लेकर, अब हमें एक काम करना है, ये ले लेते हैं पैन पे या तवे पे, और उसके बाद ये जो हमारे पास है फ्रेशली मेड पेस्तो, है ना, बढ़िया मजेदार। उसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं चीज। देखिए ये बन रहे हैं केसडिया, केसडिया जो है उसमें खेली चीज का है। तो ये चीज इसमें, और इसमें मैं डाल देता हूं थोड़ा कॉर्न। हाँ, तो ये कॉर्न के साथ में चीज, चीज एंड कॉर्न का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा पेस्तो के साथ में, और कमाल का। मेरे केसडिया जो है मैक्सिकन डिश, और पेस्तो हमारे इटली से। ये एक लिया हमने, इसके ऊपर डाल दिया, और फिर एक बार इसके ऊपर ये पेस्तो। और एक काम करते हैं, ये चीज, अच्छा, और इस बार मेरे पास एक और चीज है, और ये चीज है मोज़रेला, ये मोज़रेला चीज। तो अब इसमें चीज अगर आपको कम डालना है तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अच्छा, ये इसके साथ में कॉर्न, थोड़ा फ्रेश पेपर, ये जो है इस पे पेस्तो ये लगा दिया, ताकि ये जो है ये कहीं ऐसे अकेला ना पड़ जाए कहीं। ये पेस्तो, और ये इसके ऊपर वापस गैस के ऊपर। देखिए ब्रेड हर जगह होती है, कभी गोल हो जाती है, कभी फ्लैट हो जाती है, कभी फ्राइड होती है, कभी बेक होती है, कभी तवे पे होती है, कभी तंदूर में होती है। अब इसी तरह से खाने में, इटली में जाएंगे वहाँ का खाना अलग है, स्पेन में जाएंगे वहाँ का अलग है, आप दूसरी जगह पर जाएंगे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग खाने। इसी तरह से जब आप किन्हीं दो चीज़ों को, दो स्टाइल्स को मिक्स कर देते हैं तो नई चीज़ बन जाती है, लेकिन अपने आप में होती मतलब ऐसी हैं जिससे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। जैसे इस रेसिपी में इटालियन और मैक्सिकन, जी हाँ पेस्तो इटालियन है और किसी दिया मैक्सिकन, दोनों को मिक्स किया, नई डिश बन गई। इसको जरा प्रेस कर देते हैं, और इसे लेकर ध्यान से पलट दिया। देखिए इसमें हमने घी तेल कुछ डाला नहीं था, वैसे थोड़ा सा तो बनता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी ऑलिव ऑयल
और ये लीजिए, ये हमारा किसदिया तैयार पूरी तरह से, और ये हमारे पास गर्मा गर्म, नाइस एंड क्रिस्प। जब तक आप उसको खाते हैं, मैं इसको खाता हूं।